तो आज हम लोग GTA 5 की सारी गोल्ड कार्स को कलेक्ट करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, हमारे ही घर के पीछे ये देख सकते हो बड़ा सा एक बंगला बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही मिलियनेयर बिजनेसमैन का है, और उसके पास है एक गोल्ड कार। और भाई, मैंने सुना है कि वो गोल्ड कार एक सुपर कार है। तो चलो भाई, इस कार को हम लोग आज चोरी करते हैं। फटाफट हम लोग को इसके घर में पहुंचना है। और भाई, मैंने सुना है कि ये कोई अभी तक सिक्योरिटी भी नहीं रखा है, क्योंकि भाई अभी अभी इसने शिफ्ट किया है यहाँ GTA 5 में। तो फटाफट यहाँ से हम लोग जंप करते हैं। और भाई, हम इसके मेन एंट्रेंस से नहीं जाने वाले, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे देख सकते हो यहाँ पे एक कैमरा है। तो भाई, इसे हम लोग थोड़ा भी छेड़ना नहीं है। ओके, यहाँ पे तो भाई एक गार्डनर है। ओके, हम लोग फटाफट यहाँ से निकल चलते हैं, इसका भी ध्यान है नहीं। और भाई, हमारे आगे अगर कोई भी आया तो हम इसे फटाफट टपका देंगे। और भाई साहब, ये देखो यार, तो ये रही वो गोल्ड कार। फटाफट हम लोग इसे लेके चलते हैं यहाँ से, क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें बैठ जाते हैं। ओ शिट भाई, ये क्या हो गया यार, ये तो कार ही लॉक है। तो भाई, अब तो इसका हमें की ढूंढना पड़ेगा। और भाई, की इसने पता नहीं यहाँ पे रखा हुआ है या फिर वो अपने घर में रखा है कहीं पे। आसपास कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार इस वाले टेबल पे हम लोग देख लेते हैं। और भाई, ये देखो। तो भाई, ये रही इन कार्स की कीज। तो चलो फिर, इसे हम लोगों ने उठा लिया है और अब फटाफट हम लोग इस कार में बैठते हैं। और भाई, देख सकते हो हमने यहाँ पे बिल्कुल ही सही की उठाई है। फटाफट हम लोग इसे निकालते हैं धीरे धीरे यहाँ से, भाई इससे पहले कि किसी को पता चले। और यार, इस कैमरे में तो हम आ चुके होंगे, पर गाइस, हम लोग तो कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें तो वो नहीं देख पाएगा। तो फटाफट हम लोग इसे ले चलते हैं अपने घर पे, इससे पहले कि कोई हमारा पीछा करने के लिए आए। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपनी पहली गोल्ड सुपर कार को लेके आ चुके अपने घर पे। और भाई, इसका नंबर प्लेट देखो, इस पे लिखा हुआ है प्योर गोल्ड, मतलब कि भाई ये पूरी की पूरी गोल्ड की बनी हुई है। और भाई, कितनी ज़्यादा कूल लग रही है। और मुझे लगता है ये एक फरारी कार है। और भाई, ये देखो, इसमें एक कन्वर्टिबल सनरूफ भी है, जो कि भाई पूरा का पूरा ओपन हो जा रहा है, और कितना ज्यादा ही सही लग रहा है। तो चलो भाई, इस कार को हम लोग अब यहाँ पे लगाते हैं और चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट गोल्ड सुपर कार को लेने। और उसके लिए हम अपनी इस खटारा कार से जाने वाले हैं। इसे हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड लोकेशन पे। और भाई, यहाँ पे एक मैकेनिक शॉप है, जहाँ पे एक बंदे ने, यानी कि एक मिलियनेयर ने भाई ये कार दी हुई है। तुम देख सकते, तो भाई ये एक गोल्ड कार है और ये यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आई थी। तो हम लोग इनसे बहाना करते हैं और सर, हमारी ये वाली कार रिपेयर कर देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बच्चे। चलो, तो भाई इनसे हमने बोल दिया। और ये कार देखो यार, कितनी ज्यादा जहर लग रही है। वो बंदा अभी कॉफी पी रहा है और ये बंदा देखो भाई कार के नीचे घुसा हुआ है। तो भाई, इसका मतलब ये मौका सही है, हम लोग यहाँ से लेके निकल सकते हैं, इस बंदे को काम करने देते हैं। और भाई, वहाँ वाला भी देख सकते हो बिजी है। तो हम लोग फटाफट इसमें बैठते हैं फटाक से। और भाई, इसका इंटीरियर देखो यार, कितना ज्यादा कूल लग रहा है। और फटाफट इसे यहाँ से लेके निकल जाते हैं। तो भाई, यहाँ देख सकते हो हमने कितनी होशियारी से इस कार को उठा लिया है। और भाई देखो यार, पूरी की पूरी ये गोल्ड की बनी हुई है। एक बार इसका तुम इंटीरियर देखो, यहाँ तक कि भाई इसका इंटीरियर भी पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और आगे एक मॉडल भी रखा हुआ है, शायद से ये उसी बंदे का मॉडल है। तो चलो भाई, इस कार को हम लोग लेके चलते हैं अपने घर पे और ऐड करते हैं अपनी लिस्ट में। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे इस मर्सिडीज सुपर कार को भी लेके आ चुके हैं अपने घर पे। और भाई, इसका भी नंबर प्लेट देख सकते हो कि गोल्डन लिखा हुआ है। तो चलो भाई, इसे भी हम लोग यहाँ पे खड़ी करते हैं और चलते हैं अपनी थर्ड गोल्ड सुपर कार को लेने। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने इसे सिंपली खड़ी किया। और भाई, इसका इंटीरियर और आउटर स्किन सब कुछ गोल्ड का है। देख सकते हो भाई, ये एक मर्सिडीज कार है और एक हमारे पास फरारी कार हो चुकी है। तो चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई, हमारी जो नेक्स्ट सुपर कार है वो है इस बड़े से टावर के ऊपर। तो फटाफट हम लोग चलते हैं उसके लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं इस एंट्रेंस टावर के गेट पे। और भाई, अब फटाफट हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। भाई, मुझे तो लगा था कि सीढ़ियों से जाना होगा, पर यहाँ तो भाई लिफ्ट लगा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। और भाई, यहाँ देखो दो दो गार्ड हैं, इन्हें हमें सबसे पहले मारना होगा। ओके, इसे मारा और इसे भी। ओके, तो भाई यहाँ पे इसे भी मार देते हैं, ये तो उठ रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने इन दोनों गार्ड्स को मार दिया है। और भाई, पकड़े
बेवकूफ गार्ड थे यार, ये लोग उल्टे होके क्यों खड़े थे, मेरी तरफ मुंह करते तो शायद बच भी जाते। ऑलराइट, यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं और भाई ये छोटी सी कार के लिए हम लोगों ने इतनी मशक्कत की, तो भाई ये एक गोल्ड कार है भी कि नहीं मुझे इसे देखना पड़ेगा। चलो तो भाई इसमें हम लोग बैठते हैं और लिफ्ट से इसे नीचे लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमने ले दी अपनी इस छोटी सी कार को भी इस टावर से नीचे, और भाई ये भी एक गोल्ड कार थी यार, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया अच्छे से या साफ दिख नहीं रही थी, मगर है तो एक गोल्ड कार। तो चलो फिर इसे हम लोग लेके चलते हैं अपने घर पे। और भाई उससे पहले एक बार इसका इंटीरियर देखो, इंटीरियर में तो भाई कुछ भी खास है नहीं, बस एक स्पीडोमीटर है और बाकी कुछ भी नहीं। तो ले चलते हैं इसे अपने घर पे और ऐड करते हैं अपनी लिस्ट में। ऑलराइट गाइस, तो इस छोटी सी कार को हम लोग लेके आ चुके हैं अपने घर पे और इसे अब हम लोग यहीं पे लगा देते हैं। भाई इसके आगे देखो यार, यहाँ पे ऑल गोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि भाई ये भी एक पूरी गोल्ड की बनी हुई कार है। तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ पे हमारे पास तीन गोल्ड कार्स हो चुकी हैं। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है भाई हमारे माइकल भाई का घर, क्योंकि इन्होंने भी अभी जल्दी में ही एक गोल्ड कार ली है। तो चलो भाई चुपके से इनके घर में चलते हैं। और भाई मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपना गैराज खोला रखा होगा, एक बार हम लोग पास चल के देख लेते हैं वैसे भी। ओके, तो भाई और अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे गोल्ड कार खड़ी है। तो इसके मेन दरवाजे से हम लोग एंट्री लेते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, और भाई कोई भी बस यहाँ पे मुझे देख न ले, हम लोग फटाफट यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और लेफ्ट लेते ही ये गैराज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ नीचे शायद से कोई है नहीं। और भाई ये देखो यार, कितनी ज्यादा ही सही लग रही है, और भाई पूरी की पूरी ये चमक रही है, गोल्ड की बनी हुई है तो चमकेगी ही ऑब्वियसली। चलो तो फिर इसे हम लोग फटाफट यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, तो बस ये गेट खुल जाए, और भाई गेट भी खुल चुका है, और यहाँ पे हमने अपनी फोर्थ गोल्ड कार को भी कलेक्ट कर लिया है। और भाई इसके भी नंबर प्लेट पे देख सकते हो कि गोल्ड लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो भाई हमारे पास अब चार गोल्ड कार्स हो चुकी हैं, तो फटाफट इसे ले चलते हैं अपने घर पे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमने ले आ दिए अपनी फोर्थ गोल्ड सुपर कार को अपने घर पे, और फटाफट हम लोग अब इसे यहाँ पे लगाते हैं सिंपली, और हमारे पास अब चार गोल्ड कार्स हो चुकी हैं। तो भाई इनको बेच के हमें कितना ज्यादा पैसा मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो भाई इसे हम लोग यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं, और हमारे पास दो फरारी कार्स और एक मर्सिडीज और एक मिनी कार मिली है। तो चलो भाई चारों कार्स के बाद अब हम लोग चलते हैं किसी बिलियनेयर के घर पे उसकी गोल्ड कार को चुराने। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, और इन जंगलों के बीच में देख सकते हो भाई ये है उस मिलियनेयर का घर, और वो रही हमारी गोल्ड सुपर कार। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और भाई इसके घर में चल के उस वाली कार को उठाते हैं। भाई काफी ज्यादा यहाँ पे ढलान जैसा रास्ता है, बिल्कुल आराम से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके, तो भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल नीचे, और भाई यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पर है यार। तो भाई यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है, इस सीढ़ी से हम लोग ऊपर चलते हैं। ऑलराइट भाई, बस हमें कोई दिखाई न दे, क्योंकि हमें किसी ने अगर देख लिया फिर तो भाई हमारी सामत नहीं। तो यहाँ से हम लोग धीरे से उतरते हैं नीचे। ये देख सकते हो भाई एक ये मर्सिडीज कार है, और फटाफट इसमें हम लोग बैठ जाते हैं। सामने देख सकते हो वहाँ दो बंदे हैं, पर भाई वो हमारी तरफ अभी देख नहीं रहे हैं। धीरे से हम लोग इसे यहाँ से टर्न करते हैं, थोड़ा सा और पीछे करते हैं, और फिर भाई यहाँ से हम लोग इसे लगाते हैं जंप। और भाई ये देख सकते हो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं लैंड पे, और इसे अब हम लोग यहाँ से निकाल के ले चलते हैं। भाई वो इसे कैसे लेके जाता होगा मुझे नहीं पता, पर हमने यहाँ पे काफी होशियारी से इसे निकाल लिया है। भाई साहब हमारे पास अब हो चुकी है 5 गोल्ड सुपर कार, और इन सब कार्स को बेच के हम मिलियनेयर तो बन ही जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पे अपनी फिफ्थ गोल्डन सुपर कार को ले आ दिया है, और भाई इसके नंबर प्लेट पे भी देख सकते हो कि गोल्डन लिखा हुआ है। और यहाँ से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी सिक्स्थ सुपर कार को लेने। तो भाई ये घर है हमारा नेक्स्ट लोकेशन, और भाई ऊपर देख सकते हो यहाँ पे भी एक हेलीकॉप्टर है, और इसके पास भी एक गोल्ड सुपर कार है। तो चलते हैं भाई इसकी कार को भी आज हम लोग चोरी कर लेते हैं और ले चलते हैं अपने घर पे। भाई ये लगता है कि यही कार है, और लगता है अभी अभी ये आया है या कहीं गया था। तो फटाफट हम लोग इस कार में बैठते हैं और ले चलते हैं। भाई इसका एक बार इंटीरियर देखो, कितना ज्यादा ही भाई झक्कास लग रहा है। तो चलो भाई इसे हम लोग फटाफट यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं लेके। ओके, बस गेट खुल जाए, और भाई यहाँ पे हम लोगों ने इस गोल्ड सुपर कार को भी उठा लिया है। और भाई इसका इंटीरियर मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है यार, ले चलते हैं इसे हम लोग फटाफट
अपने घर पे, इससे पहले कि ये ओनर हमारा पीछा करने के लिए आए। तो भाई ये रही हमारी आज की लास्ट गोल्ड सुपर कार, और भाई इसके भी नंबर प्लेट पे देख सकते हो गोल्ड ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लगाते हैं। तो भाई हमारे पास अब 6-6 गोल्ड सुपर कार हो चुकी है, तो इन सब में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 5000 लाइक्स का, आई होप आप लोग करवा दोगे। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड जय हिंद। See the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.